नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं, जिला महिला चिकित्सालय झांसी है। हम यहाँ मार्केट संवाद की अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर 18 साल से 45 साल तक के लोगों को टीकाकरण कराया जा रहा है। ये आज से 18 साल से 45 साल वालों को टीकाकरण हो रहा है। जिन लोगों ने पंजीकरण कराया था, उनका टीकाकरण यहाँ चालू है शाम 5 बजे तक। ये आप देख सकते हैं, जिला महिला चिकित्सालय झांसी है, यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। ये 5 बजे तक चलेगा। 18 साल से 45 साल वालों के लिए आज से टीकाकरण चालू हो गया है कोरोना वैक्सीन का। जिनका पंजीकरण हो चुका है पहले, उन्हीं को वेरिफिकेशन करके टीका लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर की टीम की देख रेख में टीकाकरण चल रहा है। सारी व्यवस्था, जो आध घंटे के लिए रेस्ट दिया जाता है। भाई साहब, आपको टीका लग चुका है? जी। कितनी एज है आपकी? 22। आपको कुछ दिक्कत नहीं? कोई परेशानी नहीं? धन्यवाद। कैसा लग रहा है अब आपको टीका लग चुका है? इंतज़ार कर बहुत दिन करना पड़ा आपको? हाँ, इंतज़ार तो करना पड़ा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति चिंताजनक थी। टीका लगेगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और ज़रूरी भी था। धन्यवाद धन्यवाद सर। कितने लोगों की देख रेख में है यहाँ पे, जो आपकी टीम जो है डॉक्टरों की, जो आधे घंटे यहाँ पे रेस्ट करके? धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति जागरूक है अपने स्वास्थ्य के प्रति। देख सकते हैं, ये बच्चा 18 साल का है, इसको टीका लगाया जा रहा है। देख सकते हैं, मार्केट संवाद चैनल पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अच्छी बात है, जागरूक होकर हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए। जिनका पंजीकरण हो चुका है, वो वेरिफिकेशन करा के यहाँ टीकाकरण करा सकता है 5 बजे तक। कौन सा टीका लगाया है, कौन सी वैक्सीन है? कोविशील्ड। ये कोविशील्ड का टीका लगा है। कैसा लग रहा है भैया आपको? हाँ, इंतज़ार कर रहे थे, आज वो खुशी मिल चुकी है। धन्यवाद, आप यहाँ आध घंटे के लिए। ये देख सकते हैं, जिला महिला अस्पताल में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है 18 साल से 45 साल वालों का, यहाँ पर वेरिफिकेशन करके फिर उस कक्ष में जाकर टीकाकरण करा सकते हैं, जो हमने अभी दिखाया है आपको। यहाँ आप अपना वेरिफिकेशन करा के और टीका कराइए, 5 बजे तक आप टीकाकरण करा सकते हैं। हर व्यक्ति जागरूक बनकर रजिस्ट्रेशन कराए और टीकाकरण कराए, जिससे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। बाकी फिर परमात्मा के हाथ में है, जैसा 120 का लक्ष्य था, 110 लगवा। आइए हम बात करते हैं पर्यवेक्षक जी से। आपका क्या नाम है सर? राजेश मोहन श्रीवास्तव। तो आप क्या हैं इधर? पर्यवेक्षण अधिकारी। तो कितने टीका लग चुके हैं आज इधर? 107 करीब लग चुके। और लक्ष्य कितने का था? 120 का लक्ष्य था, 107 टीका लग चुके हैं अभी तक। तो इसके बाद 5 बजे तक लगना है। तो यहाँ जो केंद्र बना है, यहाँ वेरिफिकेशन हो रहा है जी सामने? वेरिफिकेशन हो रहा है और उस साइड अंदर लग रहे थे, शांतिपूर्वक अच्छे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए काम हो रहा है। मैंने देखा है अभी भी। आप देख सकते हैं, जो पर्यवेक्षक जी हैं बता रहे हैं, ये अच्छी बात है, हर व्यक्ति को जागरूक होकर टीका कराना चाहिए। बाकी फिर भगवान परमात्मा देखेगा, अपना कर्म करिए। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।